नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 3 विषयों में 29,175 शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्यों के सृजित 50,000 पदों में उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29,175 पदों पर नियुक्ति 3 विषयों में होगी। इनमें विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा शामिल है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 6 से 8 के सहायक आचार्यों के इतने पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए विषयवार पदों का आवंटन भी सभी जिलों के लिए कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक चंद्रशेखर ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भेजे हैं। विषयवार पदों के निर्धारण में रांची, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के कुल पद 3 से विभाजित नहीं हो रहे थे तथा 2 पद शेष रह जा रहे थे। इन जिलों में उन 2 पदों को गणित एवं विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन में एक एक पद शामिल कर लिया गया है। सभी जिलों को अगली नियुक्ति में चक्रानुक्रम भाषा के पद से कार्रवाई करने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 से 29 सितंबर के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में छिटपुट से लेकर काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। हालांकि राज्य में सामान्य से कम वर्षा होगी। इसके बाद 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक सुबह से दोपहर के दौरान राज्य में व्यापक से व्यापक वर्षा देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद बारिश की गतिविधि कमजोर रहेगी, सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी पूर्वानुमान में बताया है कि पूजा के दौरान दिन में झमाझम बारिश होगी और शाम में शहरवासियों को माता के दरबार में जाने का मौका मिलेगा। 1932 खतियान पर मतभेद खत्म करने में जुटे सीएम हेमंत। हेमंत सोरेन सरकार के अंदर 1932 के खतियान पर सर्वसम्मति बनाने का राजनीति प्रयास जारी है। गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर हुई यूपीए विधायकों की बैठक में यह मुद्दा छाया रहा। हालांकि मीडिया के समक्ष विकास योजनाओं को लेकर यूपीए के विधायक दलील देते रहे, पर कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा और विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। सांसद गीता कोड़ा ने कहा है कि जिस मुद्दे को पिछले कुछ दिनों से वो उठा रही है और पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया, उसको मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना है। 1932 के बजाय खतियान आधारित स्थानीय नीति बननी चाहिए। 1950 में जब जमींदारी प्रथा खत्म हुई, उस वक्त का क्या होगा, बिरहोर समाज का क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। कुर्मी आंदोलन के चलते झारखंड में रेल परिचालन ठप। पश्चिम बंगाल के खेमासुली स्टेशन के पास 50 घंटे से अधिक समय से रेलवे ट्रैक और NH 49 जाम है। कुर्मी जनजाति को ST में शामिल करने और कुर्मी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी टोटेमिक के बैनर तले कुर्मी समाज के हजारों पुरुष और महिलाएं मंगलवार की सुबह से ही रेलवे ट्रैक और हाईवे 49 को अनिश्चितकाल के लिए जाम कर दिखा है। इस कारण ट्रेन परिचालन ठप है। हाईवे पर सैकड़ों वाहन खड़े हैं, कई यात्री बस भी जाम में फंसी हुई है। बता दें, आंदोलनकारी ट्रैक पर सोए हुए हैं और हाईवे पर नृत्य कर रहे हैं। रांची से कोलकाता आने वाली बसें भी जाम में फंसी हैं। नक्सली मुठभेड़ में घायल जवान की मौत, सीएम हेमंत और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। चतरा में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में CRPF जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि इलाज के दौरान जवान की मौत अस्पताल में हो गई। गुरुवार को मृतक जवान को CRPF के 133 कैंप में श्रद्धांजलि दी गई। जवान को श्रद्धांजलि के लिए राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ बड़े पुलिस अधिकारी पहुंचे। बता दें, चतरा में गत 18 सितंबर को नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में CRPF के जवान चितरंजन घायल हो गए। घायल जवान को एयरलिफ्ट रांची कर लाया गया था। झारखंड में 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगी कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा। कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 दोबारा होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। यह परीक्षा 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक विभिन्न तिथियों को होगी। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद तथा हजारीबाग के निर्धारित केंद्रों पर होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से संबंध में आयोग द्वारा सूचना बाद में जारी कर दिया जाएगा।
झारखंड में दिसंबर तक हाई अलर्ट, जेलों में लगेंगे जाइमर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के सभी जिलों में दिसंबर तक हाई अलर्ट घोषित करने का आदेश दिया है। गुरुवार को उन्होंने कहा है कि चंद दिनों के भीतर त्योहारी मौसम शुरू हो जाएगा। झारखंड में इस बार बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, ऐसे में इस बार काफ़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है, इसलिए दिसंबर तक झारखंड को पूरी तरह हाई अलर्ट पर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किया जाए। राज्य के हर जिले में शांति और सद्भाव कायम रहे, इसके लिए झारखंड पुलिस सभी जरूरी कदम उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि त्यौहार के मौसम में शांति, सद्भाव और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने की जरूरत है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उग्रवाद व आपराधिक घटनाओं पर लगाम कसा जाना चाहिए, भय मुक्त वातावरण बनाया जाए। झारखंड के पहले 8 लेन रोड का वर्ल्ड बैंक की टीम ने किया निरीक्षण। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क निर्माण की धीमी गति पर निर्माण एजेंसियों त्रिवेणी एवं शिवालया कंस्ट्रक्शन को फटकार लगी है। गुरुवार को वर्ल्ड बैंक की टीम और उपायुक्त संदीप कुमार सिंह ने कांकोमठ से गोल बिल्डिंग तक 20 किलोमीटर लंबी इस सड़क का जगह जगह निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान टीम के सदस्यों ने सड़क निर्माण कार्य का अवलोकन किया एवं नक्शा देखा। टीम ने कांको मोड़ के आगे बन रहे पुलिया निर्माण का कार्य देखा एवं वस्तु स्थिति से अवगत हुए। इसके बाद योगेश्वर मोड़, श्रीधरपुर, बैज कारटाण व शक्ति चौक के पास बन रहे 8 लेन सड़क की भी जांच की। बाबूलाल ने कहा मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे राज्यपाल। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब तो ईडी ने भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने 1000 करोड़ का अवैध उत्खनन किया है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, पर ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। ईडी को भी मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी गुरुवार को दुमका परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि केवल साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है। विधायक दीपिका का आंदोलन रंग लाया, 15 दिनों में बनेगा रोड। झारखंड के गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के मुख्य बाजार पीरोजपुर बाराहाट स्थित सिद्धू कानू चौक के नज़दीक NH 133 की दुर्दशा के खिलाफ हंगामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह का आंदोलन रंग लाया है। झारखंड के NH उपभाग के क्षेत्रीय अधिकारी अभिजीत चौधरी और NH डिवीजन देवघर के कार्यपालक अभियंता RB सिंह गुरुवार को तड़के पीरोजपुर बाराहाटा पहुँचे और टीम के साथ सड़क का जायजा लेकर वहाँ जल जमाव की समस्या को देखते हुए 300 फीट तक RCC रोड बनाने की दिशा में पहल तेज कर दी है। अक्षरा सिंह 30 सितंबर को आ रही धनबाद, अपने अंदाज में दी सूचना। नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ आपकी अपनी अक्षरा सिंह, आ रही हूँ आपके अपने शहर धनबाद में, तो आप भी तैयार रहना, आना मत भूलना, सी यू लव यू ऑल। भोजपुरी सिने स्टार अक्षरा सिंह ने कुछ इसी अंदाज में अपने धनबाद आने की जानकारी अपने फैंस को दी। बिग बॉस सीजन 15 के OTT संस्करण में बतौर प्रतिभागी रह चुकी भोजपुरी सिने स्टार अक्षरा सिंह 30 सितंबर को धनबाद आ रही हैं। इस शो में अपनी भोजपुरी बोली से अक्षरा ने पूरे देश को अपना दीवाना बनाया था। अब एक बार फिर धनबाद में वह अपना जादू बिखेरेगी। उनके कार्यक्रम को लेकर धनबाद के हर वर्ग के लोग उत्साहित हैं। हजारीबाग के 8 प्रखंड की 24 बस्तियों में फ्लोराइड और आयरन युक्त पानी। झारखंड की राजधानी रांची से 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिला के 8 प्रखंडों में पानी में प्रदूषण की पुष्टि हुई है। इन 8 प्रखंड की 21 पंचायतों की 24 बस्तियों में लोग प्रदूषित पानी पी रहे हैं। 2 बस्तियों में पानी में आयरन की मात्रा सामान्य से ज़्यादा पाई गई, जबकि 22 टोले के पानी में फ्लोराइड की मात्रा सामान्य से अधिक पाई गई है। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से कराई गई वाटर टेस्टिंग में ये तथ्य सामने आई है। 24 सितंबर को आधी रांची में बाधित होगी बिजली। हटिया वन ग्रिड में दुर्गा पूजा के पहले उपकरणों को बदलने और इसकी मरम्मत का काम होगा। शनिवार को मेगा पावर ब्लॉक लिया जाएगा। बिजली बंद रहने के चलते उपभोक्ताओं को अपने जरूरी काम शनिवार से पहले ही निपटा लेना होगा। इस दौरान ग्रिड के 4 में से 2 बड़े पावर ट्रांसफार्मर 1 और 2 से सप्लाई करीब 2 घंटे सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगी।
पावर ब्लॉक के दौरान ग्रिड के 192/33 के वी आपूर्ति लाइन में मरम्मती का काम किया जाएगा। आरबीआई ने हजारीबाग में गर्भवती महिला की मौत पर लिया एक्शन। झारखंड के हजारीबाग जिले में पिछले हफ्ते एक गर्भवती महिला 27 वर्षीय की ट्रैक्टर के पहिए के नीचे कुचलकर मौत मामले में बड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड को तीसरे पक्ष के एजेंटों के जरिए ऋण वसूली या संपत्ति वापस कब्जे में लेने से रोक दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसका यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा है कि MMFSL अपने कर्मचारियों के जरिए वसूली या कब्जे की गतिविधियों को जारी रख सकती है। बयान में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड मुंबई को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के जरिए किसी भी वसूली या कब्जे की गतिविधि को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। झारखंड में नर्सिंग होम में रेड अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर सरिया इलाके में लगातार भ्रूण हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ती भ्रूण हत्या को लेकर बगोदर में अवैध रूप से संचालित निजी नर्सिंग होम की गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जांच की गई। इस दौरान द्वार सैनी अल्ट्रासाउंड नामक दुकान में रखी मशीन को जब्त कर उसे सील कर लिया गया। इसके साथ ही द्वार सैनी अल्ट्रासाउंड के संचालक अजय कुमार को नोटिस जारी किया गया है। सभी नर्सिंग होम की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। गढ़वा में एक पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का आरोप, ग्रामीणों ने की पिटाई। गढ़वा जिला अंतर्गत रामकंडा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में स्थापित पिकेट के जवान जगदीश राम को पशुधन से दुष्कर्म करते पकड़े जाने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने बंधक कर पिटाई की। वहीं घटना के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जवान को सस्पेंड कर उसे देवघर हेडक्वार्टर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय में स्थापित अस्थायी पिकेट के सेट का जवान जगदीश शराब के नशे में गांव के ही हरवाड़ी टोड़े में गया था, जहां युगल साव के पशुधन से एक घर में दुष्कर्म करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया। देवघर के सरकारी स्कूल में शराब के नशे में धुत टीचर को सोका। झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह स्थित उत्क्रमिक अपर प्राथमिक विद्यालय मंगना सार में शिक्षक मनोज यादव द्वारा शराब पीकर स्कूल पहुंचने और परिसर में ही लघुशंका करने का वीडियो वायरल हो रहा था। देवघर प्रखंड के केनम काठी पंचायत के मंगना सार गाँव स्थित स्कूल में शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचे थे। स्थिति यह थी कि नशे में वे खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, स्कूल के फर्श पर बेसुध पड़े थे। वायरल वीडियो पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। इधर डीएससी के निर्देश पर बीईओ आमंदा कुमारी ने प्रधानाध्यापक, आरोपी शिक्षक व सीआरपी को शोकाज किया है। हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे के गांव में दिखेगा विकास। सिमडेगा डीसी के निर्देश पर अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे के गाँव बड़की छापर का दौर कर ग्रामीणों संग बैठक की। गांव के सर्वांगीण विकास की दिशा में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस क्रम में गांव के मूलभूत सुविधाओं सहित विकास के आयामों का अवलोकन अधिकारियों द्वारा किया गया। इस क्रम में सलीमा टेटे के पिता मुख्य रूप से उपस्थित थे। अधिकारियों ने गांव में व्याप्त समस्याओं की जानकारी प्राप्त की, साथ ही आवश्यकता को बारे में भी जाना। झारखंड के हर जिले में 10 बेड का आयुष हॉस्पिटल बनेगा। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की तर्ज पर राज्य में अब आयुर्वेद के सहारे मरीजों को इलाज होगा। इसके लिए इंडोर आयुर्वेद हॉस्पिटल का निर्माण होगा। फिलहाल इस हॉस्पिटल में 10 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में आयुष विभाग के निदेशक ने सभी जिला आयुष पदाधिकारी को पत्र भेजकर इस पर अमल करने को कहा है। 10-10 बेड का अस्पताल राज्य के सभी 24 जिले में बनेंगे। पत्र में कहा गया है कि देसी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और मरीजों को देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति से लाभ दिलाने के लिए जरूरतमंद मरीजों को आयुष अस्पताल में भर्ती कराकर आयुष चिकित्सा पद्धति से नो साइड इफेक्ट वाला इलाज किया जाएगा। कुर्मी आंदोलन से कई ट्रेनें रद्द, व्यापार प्रभावित। कुर्मी को अनुसूचित जाति एसटी में शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के बहरागोड़ा, बरसोल, चाकुलिया और घाटशिला अनुमंडल इस आंदोलन से काफ़ी प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल के खेमासोली में रेलवे ट्रैक और
लोधासोली में हाईवे जाम से व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है। इससे सैकड़ों ट्रकों में मछलियां, सब्जियां, फूल, दूध 3 दिन से जाम में फंसे होने के कारण बर्बाद हो गए। झाड़ग्राम जिला बंधक बना हुआ है। इस जिले में घुसने का हर मार्ग अवरुद्ध है। साइबर अपराध और महिला उत्पीड़न पर ठोस रणनीति बनाए सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करें। राज्य में आपराधिक घटनाओं की समीक्षा के क्रम में हत्या, लूट, डकैती, फिरौती, गृह उद्भेदन, दुष्कर्म समेत कई मामलों की जिलावार विस्तृत जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने गुरुवार को जिला के पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य और राज्यवासियों की बेहतरी और विकास के लिए बेहतर पुलिसिंग बेहद जरूरी है। सरना धर्म कोड 30 नवंबर तक। आदिवासी सेगेल अभियान नामक संगठन ने सरना धर्म कोड के लिए रेल चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मयूरभंज के पूर्व सांसद साल खान मुर्मू ने बताया है कि 20 सितंबर को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आदिवासी सेगेल अभियान ने सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहाँ घोषणा की गई है कि सरना धर्म कोड की मान्यता जल्द दी जाए, अन्यथा 30 नवंबर 2022 को 5 राज्यों झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा व असम में एक दिवसीय रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि 20 नवंबर तक सरना धर्म कोड को मान्यता प्राप्त करे, सकारात्मक पहल का संकेत दे या वार्ता शुरू करे। अग्निवीर बनने के लिए 86,000 युवाओं ने लिया भाग, 13 नवंबर को परीक्षा। मोराबादी मैदान में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली समापन के मौके पर झारखंड और बिहार के DDG ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने बताया है कि इस बहाली प्रक्रिया में सफल हुए छात्राओं का परीक्षा 13 नवंबर को खेलगांव स्थित होटवार के श्री हरिवंश टाटा भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। ब्रिगेडियर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने बताया है कि झारखंड के 24 जिलों से अग्निवीर बहाली में कुल 86,000 युवाओं को प्रक्रिया के तहत रजिस्टर कराया गया था। इसमें कुल 83,000 अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में शामिल हुए। इसमें सबसे अधिक पलामू जिला के विद्यार्थी शामिल हुए हैं। झारखंड के 16 जिले अब भी नक्सल प्रभावित। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन के बावजूद अब भी राज्य के 16 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इनमें 8 जिले अति नक्सल प्रभावित हैं, जबकि 8 जिले में मॉडरेट नक्सली गतिविधियां हो रही है। वहीं राज्य के 8 जिले नक्सल मुक्त हुए हैं। गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन के साथ पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में आंकड़े सामने आए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोडरमा, रामगढ़ और सिमडेगा समेत 8 जिलों को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है। 27 से 29 सितंबर तक दिव्यांग जन T20 क्रिकेट। भारत बांग्लादेश दिव्यांग जन T20 क्रिकेट सीरीज 27 से 29 सितंबर तक खेला जाना है। इसे लेकर रॉयल SS ट्रॉफी का अनावरण गुरुवार को होटल केन में किया गया। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। वैसे तो मैच में ICC के सारे नियम लागू होंगे, पर कुछ नियमों में परिवर्तन किए गए हैं। मैच में पहले बॉल से ही रनर की सुविधा उपलब्ध होगी। बताया गया है कि इस सीरीज में करीब 11 लाख का खर्च आएगा। इसके लिए कई कंपनियों ने स्पॉन्सर किया है। मालूम हो कि भारतीय टीम में झारखंड के 6 खिलाड़ी शामिल हैं। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।